की बात मैं आपसे करता हूं, और मुद्दे की बात यह है कि एक व्यक्ति वो अगर आरसीएम का डायमंड बनना चाहता है, तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायमंड बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए। जी हाँ, 50 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए, एक साल में इकट्ठा करके नहीं, एक महीने का। तो 50 करोड़ का वॉल्यूम आपको लगेगा कि जी 50 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? तो आप ये मान लीजिए कि 50 करोड़ हो सकता है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में 3 डायमंड है और 1 स्टार डायमंड है, उन्होंने किया तो आपका भी हो जाएगा। तो हो सकता है, कैसे होगा? मैंने क्या किया 50 करोड़ महीने का धंधा करने के लिए? और ये बिजनेस बहुत आसान है। कॉपीकैट मार्केटिंग की किताब है वर्क हेजेस की, उसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी में कामयाब होना बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है। बस आपको ये करना है, जिस क्षेत्र में आप कामयाब होना चाहते हैं, उस क्षेत्र के कामयाब लोगों को देखिए कि वो क्या करते हैं। जैसा वो करते हैं, हूबहू आप वैसा कीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा कपड़ा पहनिए, जैसे वो बोलते हैं वैसा बोलिए, जिन लोगों में उठते बैठते हैं वैसे उठना बैठना शुरू कर दीजिए, जो किताबें पढ़ते हैं वैसे किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। एज इट इज अगर आप उनको कॉपी करेंगे, तो कुछ सालों के बाद आप बिल्कुल उनके मुकाम पर पहुंच जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की तो यही खूबी है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जो आदमी जितना ज्यादा नकलची होगा ना, जितना ज्यादा नकलची होगा, कॉपी करने में मास्टर होगा, वो उतना जल्दी इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। और कॉपी करने में थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। कई बार जिस आदमी की आप कॉपी कर रहे होते हैं, तो उसकी अगर कुछ एकाध अगर वीकनेस है, तो वो भी आप कॉपी कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस की आपको जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो राइट, मैंने क्या किया, कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। पहला काम मैंने ये किया कि आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा। तो इसको पॉइंट को मैं दूंगा, पहला पॉइंट बोलूंगा टॉप प्रायोरिटी। आरसीएम बिजनेस में मैं आया, शुरुआत में सीरियस नहीं था, लेकिन जब से मैं सीरियस हुआ, मैंने अपने जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता आरसीएम को बना लिया। मैंने एग्जांपल दिए, बच्चों के बर्थडे के एनिवर्सरी का एग्जांपल दिया। मेरा केबल टीवी का बिजनेस था, केबल टीवी के बिजनेस के प्रति मैं बिल्कुल बेपरवाह हो गया। उसमें से जो पैसा आता था वो आना बंद हो गया, कंपटीशन हो गया, मतलब संभाला ही नहीं मैंने। विवाह शादी रिश्तेदारी सब नाराज हो गए। मैंने फुल्ली फोकस रह के आरसीएम बिजनेस में काम किया। मैं ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि आरसीएम बिजनेस में आने के बाद में मेरी एक होम मीटिंग भी कैंसिल नहीं हुई आज तक। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने आरसीएम बिजनेस को अपनी टॉप प्रायोरिटी पर रखा। और आप भी अगर बड़ी कामयाबी चाहते हैं, तो आप टॉप प्रायोरिटी पे रखिए आरसीएम बिजनेस को, फोकस रह के काम कीजिए। मैं लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जी मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए। 7 साल हो गए हैं, 7 साल में उनकी बातें नहीं बदली, उनका तरीका नहीं बदला, उनके विचार नहीं बदले, उनका ढंग नहीं बदला, उन्होंने कुछ सीखा नहीं। 7 साल में वो 70 काम करके वापस लौट के आ जाते हैं। 7 साल काम करके वो इलेक्शन आते हैं, तो दो दो महीने इलेक्शन में गायब हो जाते हैं। फिर पड़ोस में किसी की शादी होती है, तो 1 हफ्ते फिर गायब हो जाते हैं और कहते हैं जी कुछ हो नहीं रहा है। आपको फोकस्ड रह के कंसिस्टेंसी के साथ में टॉप प्रायोरिटी पर रख के काम करना पड़ेगा। दूसरा काम जो मैंने किया, वो मैंने आरसीएम बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया। प्रोडक्ट हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं थे, सिस्टम समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल 100% एनर्जी आरसीएम बिजनेस पे लगाई। डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप काम करते हैं ना, तो दूसरे लोग आपको अप्रोच करते हैं, जब उनको मालूम चल जाता है ना यार आरसीएम का बंदा है, इसकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो वो आपके आएंगे, आपको धीरे से बोलेंगे, पहले तो आपसे बातचीत करेंगे कि आपके बारे आपसे मिलना है, आपके बारे में थोड़ा जानना है, प्लान के बारे में। और वो आपके पास आएंगे और चुपके से अपना प्लान दिखाएंगे, और आप बता देंगे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, इसमें बहुत कुछ पैसा है, ऐसा है, ये है, वो है, वो सारी चीजें। और हम कहीं ना कहीं उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे ही आप उन चीजों के प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपका जो एनर्जी है, जो 100% लगा हुआ था, वो एनर्जी डाइवर्ट हो गया। अगर 10-20% उनको सुनने में, सोचने में, विचार करने में लग गया, तो फिर आउटपुट तो आपका कम आएगा ही। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा कि जो घुड़ वो जो यू नो टांगे में जो व्यक्ति घोड़ा जोतता है,
तो वो अच्छी स्पीड लाने के लिए घोड़े के दोनों तरफ, दोनों नजरों के साइड में एक ब्लिंकर लगा देता है। तो जब वो ब्लिंकर उसके साइड में लगता है तो घोड़े को कुछ नहीं दिखता है, न उसको घास दिखती है, न घोड़ी दिखती है, उसको सिर्फ मंजिल दिखती है और वो मंजिल पे जल्दी पहुंच जाता है। कोई भी व्यक्ति मेरे पास में, पहली बात तो ये कि मेरी कमिटमेंट को देख के, मेरे पागलपन को देख के कोई व्यक्ति मेरे पास में आया नहीं कि वो प्लान दिखाने के लिए आए। और एकाध अगर कोई आ भी गया होगा तो मैंने बड़ी विनम्रता के साथ में उसको नमस्ते किया। मैंने कहा, भाई साहब आपकी कंपनी मान लिया बहुत बढ़िया है, आपका प्लान बहुत बढ़िया है, आपके प्रोडक्ट मतलब जो है ना वो आसमान से आए हैं, इससे बढ़िया कुछ है नहीं, लेकिन मैं आलसीएम बिजनेस को लेके कमिटेड हूँ और मेरा कमिटमेंट है कि मैं जिंदगी भर आलसीएम करूंगा, इस कमिटमेंट के साथ में आया हूँ, प्लीज मेरा कमिटमेंट मत तोड़िए। तो आदमी ने फिर मेरे से बातचीत नहीं की। और जब आप थोड़ा सा, आपके मन में कुछ लालच रहेगा, कुछ देख लूंगा, कर लूंगा, चलो सीख लूंगा, चलो एक आईडी तो लगा ही दूंगा, फिर कैसे कामयाबी? हमने सुना है ना, अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो डूबना तय है। तो यहां भी आप फोकस रह के काम कीजिए। देखिए आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, डिजिटल युग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्लान भी आपको दिखते हैं, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग कर कर करेंगे आपकी, आपके पास में आएंगे, लेकिन आप अगर बिल्कुल फोकस्ड हैं, ब्लिंकर्स लगा रखे हैं आपने, कुछ दिखता नहीं है, 100% एनर्जी आप आरसीएम बिजनेस पे लगाएंगे, तो फिर अगले, अगर अब तक आपके पास में परिणाम नहीं है तो आप इस प्रकार से काम करके देखिए, आपके पास में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। मैं एग्जाम्पल आपके सामने हूं, मैंने ऐसा किया। तीसरा काम मैंने किया, लर्निंग एटीट्यूड, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहा, हमेशा, ऑलवेज, आज भी हूं। मुकेश कोठारी जी कहते हैं कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, इफ यू डोंट हैव ए लर्निंग एटीट्यूड, कोई भी नहीं सिखा सकता। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो नाली में पड़ा हुआ शराबी और एक छोटा सा बच्चा आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। वो नजरिया होना चाहिए सीखने का। मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मैंने मीटिंग सेमिनार में जब मैं जाता था ना, आज भी उसको मैं आज भी फॉलो करता हूं, अगर 5 घंटे की मीटिंग है ना तो मैं पानी पीने के लिए नहीं उठा कभी, आगे की सीट पर बैठता था और बस पूरी मीटिंग में नोट्स बनाता रहता था, लिखता रहता था। और मैं देखता था लोग 5 बार उठ जाते थे 5 घंटे में, तो चाय पी के आते थे, टहलते थे जैसे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। हमारे जमाने में उतनी ज्यादा ऑडियो वीडियो नहीं रहती थी, आज तो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरमार पड़ी है आपके पास में। तो मुझे अच्छे से याद है, एक बार कोई एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के बाहर में कुछ कैसेट बिक रही थी, एजुकेशनल टेप। एक टेप मैंने वहां से खरीदी और मैं उसको लेके घर पे आया, रात को शायद 2 बजे पहुंचा होगा मैं। 2 बजे पहुंचने के बाद घर पे टेप रिकॉर्ड था, मैंने उस टेप रिकॉर्ड में टेप को लगाया, मुझे नींद नहीं आ रही थी, उस टेप को मैंने पूरा सुना, कंप्लीट सुना। सुनने के बाद मैं सोया, मुझे ये था कि मैंने सीखना इसमें है क्या, वो वाला पागलपन। जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा नहीं था उस समय, मैंने ट्रेनिंग के ऊपर में बहुत खर्च किया। शिव खेड़ा जी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसकी शायद 50,000 रुपए के लगभग फीस थी, 4 दिन का एक वर्कशॉप था, वो मैंने अटेंड किया। तो लर्निंग को लेके आप इन्वेस्टमेंट भी उससे कीजिए और सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए। सीखना बंद तो जीतना बंद।